हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक मैसेज है कि वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ दिस चैनल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस टू लर्निंग स्टान ऑन 15th अगस्त 2019। यह नाम लर्निंग और हमारा प्यारा हिंदुस्तान से डिराइव किया गया है। आई होप कि चैनल के इस नए नाम से आप सेटिस्फाइड होंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है 3-phase इंडक्शन मोटर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है कि द रोटर शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। यानी कि इंडक्शन मोटर के रोटर का शाफ्ट किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन स्टील। ओके, लेकिन यदि ऑप्शंस में कार्बन स्टील मौजूद नहीं हो और कार्बन स्टील की जगह पे यदि माइल्ड स्टील हो तो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि ड्यू टू लो सप्लाई वोल्टेज फॉर अ 40 HP 3-phase इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज टू बूस्ट द वोल्टेज। यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि 3-phase इंडक्शन मोटर का सप्लाई वोल्टेज यदि लो हो तो इस वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए, यदि सप्लाई वोल्टेज लो हो इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर तो उससे क्या होगा। लो सप्लाई वोल्टेज की वजह से 3-phase इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होगा दैट विल बी लो, बिकॉज डेवलप्ड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि सप्लाई वोल्टेज हाफ हो जाए तो वैसे केस में इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क डेवलप होगा दैट विल बी 1/4। सो वी गेट वेरी लो टॉर्क और इसकी वजह से इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। और यदि सप्लाई वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू से भी कम हो जाए तो वैसे केस में यह मोटर लोड को कैरी भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट करते हैं बाय यूजिंग टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ देखिए, ऑप्शन में 3 और इक्विपमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट इज सिंक्रोनस कंडेंसर, दूसरा है सीरीज कैपेसिटर और तीसरा है शंट कैपेसिटर। ये तीनों इक्विपमेंट भी वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसे हम यूज करते हैं इन केस ऑफ बस बार। जब आप पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर रिसीविंग एंड बस बार का वोल्टेज लो हो जाता है बिकॉज ऑफ हाईली इंडक्टिव लोड। रिसीविंग एंड बस बार के वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए हम इन तीनों इक्विपमेंट में से किसी एक को यूज करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इज यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस। यानी कि 3-phase इंडक्शन मोटर में जो हम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करते हैं उससे हमें किन किन लॉसेस का पता चलता है। ओके, यहाँ ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है कांस्टेंट लॉसेस, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज कांस्टेंट लॉस का पता हमें चलता है नो लोड टेस्ट करने पर। दूसरा ऑप्शन कहता है वेरिएबल लॉस, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट करने से हमें वेरिएबल लॉस ही मिलता है। ऑप्शन सी कहता है कांस्टेंट लॉस एंड वेरिएबल लॉस बोथ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है रोटेशनल लॉस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज रोटेशनल लॉस के लिए भी हम नो लोड टेस्ट ही करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट नहीं करते हैं। सो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि इफ द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि इंडक्शन मोटर के एयर गैप को बढ़ाने से क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यदि इंडक्शन मोटर का एयर गैप इंक्रीज हो जाए
तो ऐसे केस में मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं नो लोड करंट आई नॉट इज इक्वल टू कोर लॉस कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। यहां से आप ये देखिए कि यदि दिस इज नो लोड करंट तो एक्स एक्सिस पर जो इसका प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर होने वाला है दैट विल बी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। यदि ये एक्सिस शो करता है सप्लाई वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज और आई नॉट के बीच का जो एंगल बनने वाला है दैट विल बी फाई नॉट। ओके, और यहीं से आप कहते हो कि इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई नॉट। ओके, नाउ इफ एयर गैप इज इंक्रीज देन मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि जो आई एम है वो अब बढ़ के आई एम डैश हो जाएगा। यदि आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप ये कहोगे कि एयर गैप बढ़ने से जो नो लोड करंट होगा वो ये है, दिस इज आई नॉट डैश, और जो एंगल होगा दिस इज फाई नॉट डैश। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फाई नॉट डैश इज मोर देन फाई नॉट, सो पावर फैक्टर कॉस फाई नॉट डैश इज लेस। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एयर गैप बढ़ने से इसका पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया। ऑप्शन बी में कहता है कि द पावर फैक्टर विल डिक्रीज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई इन टू ऑफ द फेजेस इज कॉल्ड एज व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में कहता है कि यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सप्लाई में दो फेजेस को हम रिवर्स कर दें तो वो इनमें से क्या कहलाएगा। तो यहाँ देखिए कि सपोज पहले सप्लाई का फेज सिक्वेंस था एबीसी, लेकिन अब हमने किसी भी दो फेज को रिवर्स कर दिया। किसी दो फेज को रिवर्स करने से जो फेज सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी ए सी बी। ओके, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सप्लाई का जो फेज सीक्वेंस था वो रिवर्स हो गया, और जब फेज सीक्वेंस रिवर्स होगा तो वैसे केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड। और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया वैसे केस में इस मोटर में डेवलप होने वाला जो टॉर्क होगा उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम ये मान लें कि पहले मोटर NR RPM की स्पीड पे रन कर रहा था इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब टॉर्क के रिवर्स होने की वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड फाइनली इट विल स्टॉप द मोटर। ओके, तो अभी आपने जो कुछ भी देखा है दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, जो कि किस तरह का ब्रेकिंग है, दिस इज कॉल्ड एज प्लगिंग। ओके, सो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि द रोटर स्लॉट्स इन एन इंडक्शन मोटर आर यूजुअली नॉट क्वाइट पैरेलल टू द शाफ्ट बिकॉज व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि इंडक्शन मोटर के रोटर स्लॉट्स को शाफ्ट के पैरेलल हम नहीं रखते हैं, तो पूछा है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ओके, तो यहां से देखिए, रोटर स्लॉट्स एंड शाफ्ट शुड नॉट बी इन पैरेलल बिकॉज इट विल एनकरेज द कॉगिंग फेनोमेनन। ओके, इसका एक दूसरा नाम भी है, हम इसे मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू रिमेन अंडर स्टेटर टीथ, यही कहलाता है मैग्नेटिक लॉकिंग। और इसी टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम रोटर के स्लॉट्स को शाफ्ट के पैरेलल नहीं रखते हैं। तो यहां से देखिए आप कि दिस इज रोटर और ये है शाफ्ट। रोटर के स्लॉट्स को देखिए, जिस तरह का रोटर स्लॉट्स डिजाइन किया गया है इसी को हम कहते हैं स्क्विंग। ओके, यहां से आप देख पा रहे हैं कि रोटर स्लॉट्स शाफ्ट के पैरेलल नहीं है। तो क्वेश्चन में कहता है कि हम इस रोटर स्लॉट्स को शाफ्ट के पैरेलल क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर टीथ। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑल्सो यूज इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स रोटर डेवलपिंग व्हाट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है जिसकी वजह से रोटर में क्या डेवलप होता है, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ क्लोज्ड सर्क्यूट, सो इट विल अलाउ टू फ्लो द एडी करंट। ओके, तो यहां से आप कौन से ऑप्शन को मार्क करिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है कि वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स इज व्हाट, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में पूछा है। तो यहां से देखिए कि कौन कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड हम यूज करते हैं इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो पहला है रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड, दूसरा है स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल मेथड, और तीसरा है VYF स्पीड कंट्रोल मेथड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन VYF कंट्रोल इज गिवन हियर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यहां पर रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड के सामने आप एक पॉइंट नोट करिएगा, दिस मेथड इज ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसे हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही ये मेथड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां से देखिए कि किन किन मेथड से हमें लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई मिल सकता है। फर्स्ट इज यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, दूसरा है मोटर जनरेटर सेट, और तीसरा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सेम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इसके रोटर को हम प्राइम मूवर की हेल्प से रन कराएं तो यही सिस्टम हमारा कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ओके, और यहां से हमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, जितनी स्पीड होगी प्राइम मूवर की उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, तो ये सारे मेथड्स हैं, यहां से आप ऑप्शन ए को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है मोटर जनरेटर सेट, यस। ऑप्शन बी कहता है फ्रीक्वेंसी चेंजर, यस। ऑप्शन सी कहता है कि इधर मोटर जनरेटर सेट और फ्रीक्वेंसी चेंजर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लास्ट ऑप्शन कहता है कि बोथ मोटर जनरेटर सेट एंड फ्रीक्वेंसी चेंजर, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हमें दोनों सेट को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एक से ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट्स आर स्क्यूड इन ऑर्डर टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम स्क्विंग ऑफ रोटर को डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम कुछ और भी पॉइंट को नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि रोटर स्लॉट्स को स्क्यू करने से टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग ये रिड्यूस हो जाता है, साथ ही हमिंग साउंड भी रिड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट है कि वाइब्रेशन ऑफ रोटर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, और ये सब इसलिए होता है बिकॉज रोटर स्लॉट्स को स्क्यू करने से इफेक्ट ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स इज रिड्यूस्ड। ओके, सो यहाँ पर आप चारों पॉइंट को नोट करिएगा। देखते हैं अब ऑप्शंस को। ऑप्शन सी में कहता है कि रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग इफेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ मोटर इज 500 RPM। यहां पर आप ऐड कर लीजिए कि स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और उसका स्पीड है 500 RPM, तो आप बताइए कि इसके नंबर ऑफ पोल्स कितने हो सकते हैं। तो यहां से देखिए, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 f/p। जैसा कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज गिवन है, सो दिस विल बी इक्वल टू 6000/p। ओके, ये होगा हमारा सिंक्रोनस स्पीड, और रोटर की स्पीड गिवन है 500 RPM। चूंकि ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, सो वी कैन से दैट nr इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। 500 RPM शुड बी लेस देन 6000/p।
यहां से जब आप पी को कैलकुलेट करोगे तो पी विल बी लेस देन 12, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू 12 से कम होनी चाहिए, यानी कि या तो ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। तो यहां से अब बारी बारी से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन सी में कहता है कि 5 पोल्स, यहां से आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन ये 5, 7, 9 इस तरह के नंबर ऑफ पोल्स पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, जिसका वन साइड होगा नॉर्थ पोल और दूसरी साइड होता है साउथ पोल। ओके, इसकी वजह से हम इवन नंबर ऑफ पोल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी तो यहां से ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा ऑप्शन डी, जिसमें कहता है कि 10 पोल्स। तो देखते हैं कि जब इस इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स विल बी 10, तो सिंक्रोनस स्पीड विल बी 6000/10, यानी कि 600 rpm, और रोटर की स्पीड जो गिवन है दैट इज 500 rpm। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स शुड बी 10। सो फाइनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि इफ द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीजेस देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां से हम ये मानते हैं कि ए कांस्टेंट पावर लोड इज कनेक्टेड टू दिस 3-phase इंडक्शन मोटर, और जैसा कि हमें पता है पी इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा इज द स्पीड, फॉर कांस्टेंट पावर लोड दिस इज कांस्टेंट, और वैसे केस में यदि टॉर्क की वैल्यू रिड्यूस होती है तो जाहिर सी बात है मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। यही तो पूछा है इस क्वेश्चन में कि द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीजेस देन व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्पीड ऑफ रोटर विल इंक्रीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि नो लोड टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज कंडक्टेड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस, यानी कि नो लोड टेस्ट करने से आपको क्या क्या मिलेगा। तो ऑप्शन ए में कहता है स्टेटर कोर लॉस, ऑप्शन बी कहता है रोटेशनल लॉस, ऑप्शन सी कहता है स्टेटर कॉपर लॉस, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब इंडक्शन मोटर पे नो लोड टेस्ट किया जाता है तो वहां से हमें रोटेशनल लॉस भी मिलता है, स्टेटर कोर लॉस भी मिलता है, और स्टेटर का कॉपर लॉस भी मिलता है। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करिए, नो लोड टेस्ट के वॉट मीटर की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दीज 3 लॉसेस, यानी कि स्टेटर कॉपर लॉस, कोर लॉस और फिर रोटेशनल लॉस, इन तीनों लॉसेस को एड करने के बाद जो पावर लॉस की वैल्यू आएगी वही हमें मिलेगा नो लोड टेस्ट के वॉट मीटर की रीडिंग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द 3-phase करंट्स IA, IB एंड IC ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरिंग इन फेज बाय, आंसर होगा 120 डिग्री। यहां से आप देखिए 3-phase करंट IA, IB एंड IC ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट फेज डिफरेंस इज 120 डिग्री, और इसी को हम कहते हैं बैलेंस 3-phase सप्लाई। इसी बैलेंस 3-phase सप्लाई की जरूरत होती है इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि द 3-phase इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है कि ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड, ऑप्शन बी कहता है ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ओपन सर्क्यूटेड, ऑप्शन सी और डी में कहता है इट इज सिमिलर टू DC मोटर। सो इन दोनों को तो आप क्रॉस कर दो, और ऑप्शन ए ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि 3-phase इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, क्योंकि 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रोटर वाइंडिंग होता है वो शॉर्ट सर्क्यूटेड होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर जिसका कि सेकेंडरी वाइंडिंग होगा शॉर्ट सर्क्यूट। जब आप सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्क्यूट डायग्राम ड्रॉ करिएगा ट्रांसफार्मर का भी और फिर
थ्री फेज इंडक्शन मोटर का भी, तो वहां से आप देखेंगे कि बोथ आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है क्या 30 किलोवाट रेटेड आउटपुट 400 वोल्ट थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड फोर पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर फुल लोड स्लिप इज 5% इफ द रेशियो ऑफ स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस टू द रेसिस्टेंस पर रोटर फेज इज 4 एस्टिमेट द फुल लोड स्पीड। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही यूजलेस डेटा भी गिवन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सिंपली इसमें पूछा है कि फुल लोड स्पीड बताइए, जबकि फुल लोड पर स्लिप की वैल्यू गिवन है 5%। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सिंक्रोनस स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। ns इज इक्वल टू 120 f/p, यानी कि 120 × 50 Hz डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स गिवन है 4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी 1500 rpm। ओके, यहाँ पर फुल लोड की स्लिप गिवन है 5%, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 0.05। यहाँ से अब रोटर की स्पीड आप फाइंड आउट करिएगा, nr विल बी इक्वल टू 1 - s × ns। तो वैल्यू पुट करिए इसमें, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 0.05 मल्टीप्लीकेशन विद 1500। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 1425 rpm, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि द पावर इज सप्लाइड टू द रोटेटिंग डिवाइस इन एन इंडक्शन मोटर इज बाय मींस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी कहता है मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी कहता है फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑप्शन डी कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों को आप पढ़िए। यहाँ से जो सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए कहता है सिंक्रोनस मोटर, नो। ऑप्शन बी कहता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है कि ट्रांसफॉर्मर विथ अ शॉर्टेड सेकेंडरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कि द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज 0.05 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर इज 60 Hz। तो यहाँ से पूछता है कि बताइए रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी F2 विल बी इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी। ओके, और जबकि स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 Hz और स्लिप की वैल्यू गिवन है 0.04। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, यहां से आपको आंसर मिलेगा 2.4 Hz, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि इन द इंडक्शन मोटर्स द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा कि इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर यदि स्लिप की वैल्यू बहुत ही कम है, एट वेरी लो वैल्यू ऑफ स्लिप, डेवलप्ड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। लेकिन यदि स्लिप की वैल्यू हाई है, नियर अबाउट 1, एट हाई वैल्यू ऑफ स्लिप डेवलप्ड टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। यहां से आप टॉर्क वर्सेस स्लिप का कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। टॉर्क वर्सेस स्लिप कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, जिसमें आप ये कहोगे कि दिस इज स्लिप 1 एंड हियर स्लिप 0। यहां से आप देख सकते हो कि जब स्लिप की वैल्यू बहुत ही लो हो, यानी कि इन दिस रीजन, तो वैसे केस में टॉर्क और स्लिप बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब स्लिप की वैल्यू हाई हो, यानी कि नियर अबाउट 1 हो, तो वैसे केस में आप टॉर्क वर्सेस स्लिप का कर्व देखिए, दिस इज लाइक हाइपरबोला। सो इन हाई स्लिप रीजन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में कहता कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो आप ऑप्शन बी को मार्क करते, क्योंकि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी होता है जबकि स्लिप की वैल्यू हाई हो। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि इन इंडक्शन मोटर इफ वी रिमूव वन फेज फॉर इंस्टेंस देन टू टर्मिनल्स विल हैव वाई फेज एंड बी फेज इज कॉल्ड व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि गिवन सप्लाई का फेज सीक्वेंस RYB हो, तो हम इसमें से R फेज को रिमूव कर दिए और अब ये मोटर सिर्फ Y और B फेज से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में आप इस कनेक्शन को क्या कहोगे। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डायनामिक ब्रेकिंग। ये क्वेश्चन रिलेटेड है ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर से, तो हम देखते हैं कि किस किस तरह की ब्रेकिंग हम यूज करते हैं इन दिस मोटर। तो यहाँ देखिए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम इन तीन तरह के ब्रेकिंग को यूज करते हैं। फर्स्ट इज प्लगिंग, और दूसरा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और तीसरा है डायनेमिक ब्रेकिंग। अब मैं बारी बारी से तीनों ब्रेकिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, यदि आप नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लगिंग। तो प्लगिंग इज डन बाय रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस ऑफ द मोटर, दैट इज इंटरचेंजिंग द कनेक्शंस ऑफ एनी टू फेजेज ऑफ स्टेटर। ओके, कहने का मतलब कि यदि मोटर रनिंग कंडीशन में है और उसके सप्लाई का जो फेज सीक्वेंस है दैट इज ABC, यदि आप इस मोटर पे प्लगिंग यूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी दो फेज के कनेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फेज सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाएगा लाइक ACB, और वैसे केस में डेवलप्ड टॉर्क की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी और हमारा मोटर धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। ये है हमारा प्लगिंग। नेक्स्ट ब्रेकिंग पे आते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर मोटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है दैट इज 50 Hz, इसी कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी के सप्लाई को हम मोटर में फीड करते हैं। तो इन दिस केस रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज पॉसिबल ओनली इफ स्पीड ऑफ मोटर इज मोर देन सिंक्रोनस स्पीड। यानी कि रोटर की स्पीड जब सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तभी हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि आप कहोगे कि NR इज लेस देन NS पे क्या आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं, तो नो। लेकिन इस कंडीशन में हम प्लगिंग ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लास्ट ब्रेकिंग देखिए, दैट इज डायनेमिक ब्रेकिंग। तो इसके बारे में आप नोट करिएगा, दिस ब्रेकिंग इज डन बाय डिसकनेक्टिंग एनी वन ऑफ द थ्री फेजेस फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज ईदर लेफ्ट ओपन और कनेक्टेड विथ अनदर फेज। यानी कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर बस बार ए बी और सी से कनेक्टेड है और यह रन कर रहा है एट द स्पीड ऑफ NR। जब हम इस पे डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए दो ऑप्शन अवेलेबल होता है। फर्स्ट ये है कि हम दो फेज को एज इट इज कनेक्ट रहने दें और किसी तीसरे फेज को ओपन सर्क्यूट कर दें, ये कहलाता है डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग का एक दूसरा तरीका भी है कि इस मोटर के दो फेज को एज इट इज रहने दें। सपोज फेज ए और फेज बी को हमने वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन जो इसका तीसरा फेज था उसे किसी दूसरे फेज के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये भी हमारा डायनेमिक ब्रेकिंग ही कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कहा है वो ये है कि इंडक्शन मोटर का एक फेज रिमूव कर दिया गया है और यह मोटर सिर्फ दो फेज के साथ कनेक्टेड है, तो आप बताइए कि ये कंडीशन क्या कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक ब्रेकिंग। लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहता कि मोटर का
एक फेज सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके दूसरे फेज के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब बताइए कि ये कनेक्शन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप डायनेमिक ब्रेकिंग को मार्क करेंगे। ओके, ये दोनों ही केस हैं डायनेमिक ब्रेकिंग के। सो फाइनली हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज आर करेक्ट। यानी कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो आप पढ़िए ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है कि इट कैन रन इन वन डायरेक्शन ओनली। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यू नो व्हाई? बिकॉज यदि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस एबीसी है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन ना करे, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सप्लाई फेजेस में से किसी भी दो फेज को हम इंटरचेंज कर देंगे और उसकी वजह से पॉलीफेज इंडक्शन मोटर दूसरे डायरेक्शन में रन करने लगेगा। सो ये जो स्टेटमेंट कहता है कि इट कैन रन इन वन डायरेक्शन ओनली, दिस इज रॉन्ग। ओके, ऑप्शन बी कहता है कि इट इज सिंपली अ ट्रांसफॉर्मर हुज मैग्नेटिक सर्किट इज सेपरेटेड बाय एन एयर गैप इनटू टू रिलेटिवली मूवेबल पोर्शंस, वन कैरिंग द प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ऑप्शन सी कहता है कि इट नीड्स मोर मेंटेनेंस than that required by DC shunt motor। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जब आप DC shunt motor को थ्री फेज इंडक्शन मोटर से कंपेयर करोगे तो आप ये कहोगे कि शंट मोटर के केस में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। लास्ट ऑप्शन देखिए, इट इज मोर कॉस्टली देन शंट मोटर। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जब आप सेम आउटपुट पावर रेटिंग का दो मोटर परचेज करोगे, पहला शंट मोटर और दूसरा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको शंट मोटर ही ज्यादा कॉस्टलियर होगा। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि द स्टेटर कोर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस वॉट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मर के कोर को हम लैमिनेट करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, उसी तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर को भी हम लैमिनेट करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। क्योंकि जब हम स्टेटर कोर को लैमिनेट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसमें फ्लो होने वाले एडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब एडी करंट की वैल्यू ही कम हो गई तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगी। ओके, मोर क्लेरिफिकेशन के लिए आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन किया हूं। ओके, तो फाइनली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडी करंट लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि इन अ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यानी कि थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्क्यूटेड थ्रू एंड रिंग्स। ऑप्शन बी में कहता है कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्क्यूटेड थ्रू स्लिप रिंग्स। ऑप्शन सी में कहता है कि रोटर कंडक्टर्स आर ओपन सर्क्यूटेड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन डी को भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में कहता है कि रोटर कंडक्टर्स को हम शॉर्ट करते हैं थ्रू एंड रिंग्स, और ऑप्शन बी में कहता है थ्रू स्लिप रिंग्स। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा है थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटर कंडक्टर्स को आप शॉर्ट करेंगे थ्रू एंड रिंग्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, लेकिन यदि इस क्वेश्चन में पूछता कि इन थ्री फेज
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो वैसे केस में आप कहते कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्क्यूटेड थ्रू स्लिप रिंग्स, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में आप ऑप्शन बी को मार्क करते, लेकिन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है कि इन अ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर वाइंडिंग टर्मिनल्स आर ब्रॉट आउट थ्रू स्लिप रिंग्स टू व्हाट, यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग के टर्मिनल को हम स्लिप रिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम रोटर वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर सकें थ्रू स्लिप रिंग्स। ओके, सो आप यहाँ पे ऑप्शन ए को रीड करिए। ये कहता है कि कनेक्ट एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टार्टिंग के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड करने की जरूरत पड़ती है, वो हम स्लिप रिंग के थ्रू ऐड करते हैं रोटर वाइंडिंग में, जिससे कि रोटर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस R2 इंक्रीज हो जाता है और R2 के इंक्रीज होने से जो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम टॉर्क होगा इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम टॉर्क विल बी कॉन्स्टेंट। ओके, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप हमें कमेंट में कुछ सजेशन दें कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।